नंबर एक्सरसाइज 5.3 है। अब 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग आज सॉल्व करेंगे बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द एक्सप्रेशन mx2 plus mx2 minus 4 leaves a remainder of minus 3। ये रिमाइंडर जो माइनस थ्री जो लिख सकता है एंड 12 और 12 एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम बी। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें जब इस तरह से बताया गया है कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और जब हम इसको एक्स माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर फर्स्ट वाला माइनस 3 आता है और जब हम इसको डिवाइड करते हैं एक्स प्लस 2 से तो फिर हमारा रिमाइंडर जो है वो 12 आता है। तो ये देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स को रिमाइंडर ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स क्यू प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 4 और नेक्स्ट बेटे जब एक्स माइनस 1 जब हम एक्स माइनस 1 से डिवाइड करते हैं एक्स लेफ्ट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 1 बेटे। तो यहाँ पर पी ऑफ 1 क्या होगा जहाँ पे बेटे हमारे पास एक्स होगा वहाँ पे हम उसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे बेटे एल एक्स एल एक्स क्यू था बेटे। तो यहाँ पे एल 1 का क्यूब होगा प्लस एम एक्स की जगह पे 1 होगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 बेटे। तो यहाँ पे एल प्लस एम माइनस 4 बेटे ये हमारे पास जरूर यहाँ पे। नेक्स्ट बेटे उसने बताया था कि ये एक्स माइनस 1 को जब हम डिवाइड करते हैं तो फिर ये माइनस 3 रिमाइंडर बचता है। जब हम इसको इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर माइनस 3 बचता है। तो यहाँ पे उसको माइनस 3 कर दिया है हमने। तो देखिएगा नेक्स्ट बेटे उसने कहा कि एक्स प्लस 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो 12 बचता है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स क्यू प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसी तरह से हमने पॉलीनोमियल को लिखा एक्सप्रेशन को लिखा दैट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बेटे। और पी ऑफ माइनस 2 क्या होगा एल एक्स की जगह पर माइनस 2 का क्यू प्लस एम एक्स की जगह पर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 बेटे। तो यहाँ पर बेटे जो माइनस 2 का क्यू है वो क्या होगा 8 एल होगा माइनस 2 का जब हम क्यूब लेंगे तो वो 8 आता है। तो 8 जब माइनस के साथ आएगा माइनस 8 एल और यहाँ पर 2 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर जो क्या होगा 4 होगा 4 पर जब हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एम माइनस 4 तो ये बेटे माइनस 8 एल प्लस 4 एम माइनस 4 इज इक्वल टू 12। जैसे उसने बताया था कि रिमाइंडर जब 12 बचता है तो हमने इसको इक्वल 12 कर लिया। नेक्स्ट बेटे हम देखते हैं कि इक्वल टू हमारे पास प्लस 3 एल प्लस एम माइनस 4 इज इक्वल टू 3 एल प्लस एम माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे बेटे क्या होगा कि माइनस 4 को जब हम इक्वल टू उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस का 4 है इक्वल टू उस साइड पे जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा 4 माइनस 3 1 आएगा बेटे। ये हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन 1 आ गई बेटे। उसी तरह से हम दूसरी वाली इक्वेशन को लेंगे माइनस 8 एल प्लस 4 एम माइनस 4 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे बेटे 4 जब इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12 प्लस 4 16 होगा बेटे। तो माइनस 8 एल प्लस 4 एम इज इक्वल टू 16। इसको बेटे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे बेटे। अब हम क्या करते हैं अब हम इक्वेशन नंबर 2 का कोफिशियंट जो है ये वाला कोफिशियंट माइनस 8 है इसको हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय माइनस 8 माइनस 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 8 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 8 एम माइनस 8 एम इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी बेटे हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटे। तो माइनस 8 एम माइनस 8 एम प्लस 4 एम इक्वल टू माइनस 16 माइनस एट और माइनस एट का आंसर जो हमारे पास 2 आ जाएगा बेटे। तो ये वैल्यू हम इसको पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 1 हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे बेटे। एंड
की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे एल प्लस 2 इज इक्वल टू 1 और एल इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इक्वल के साइड प्लस का साइन है तो इक्वल टू साइड मिला के माइनस का होगा, तो एल इज इक्वल टू माइनस 1, तो एल की वैल्यू बेटे हमारे पास माइनस 9 है और एम की वैल्यू बेटे हमारे पास जो है वो 2 है। इस तरह से बेटे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपने अपनी कॉपी में उसको उसे करना है और हमारी एक्सरसाइज 5.3 जो है कंप्लीट हो रही है, तो इसको सारी को जब आपने अपने नोट्स में जो काम में है उसको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल हमारा जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 5.4 होगी इंशाल्लाह।